शासन द्वारा संचालित योजनाओं को गरीब और जरूरतमंदों तक सही समय पर सुविधा मिलने से काफी राहत महसूस करता है, लेकिन जब यही योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से पहले दम तोड़ने लगती है तो फिर कहीं ना कहीं शासन में जिम्मेदार ओहदे पर बैठे जिम्मेदारों पर सवालिया निशान लगाना लाजमी है। उचेहरा जनपद पंचायत के गडोली गाँव में जिस तरीके से खाद्यान्न वितरण को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश कोटेदार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की जा रही है। ग्रामीणों को साफ आरोप है कि 5 माह से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया, मिट्टी का तेल मनमानी रेट में दिखाया जा रहा है। वहीं शासकीय उचित मूल्य की दुकान गडोली को इस समय प्राइवेट कोटेदार अचिता महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार सतना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विक्रेता राजदीप सिंह परिहार का इस संबंध में कुछ अलग ही तर्क दिया जा रहा है। उनका कहना है कि साफ है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच करा ली जाए, सब राजनीति के तहत कुछ लोगों द्वारा ऐसा कराया जा रहा है। न शक्कर मिलता है और न दाल भी मिलती है, न चना भी मिलती है, कुछ नहीं मिल रहा। अब हम अनाथ है, मेहर ये बताई हम का करी, कहाँ से चूल्हा बारी है, तो हमें वही के माथे कमाई न धमाई कुछ भी नहीं है। ये बताइए, आपने कोटेदार से अपनी बात कहा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक हम लोगों की समस्या कैसे हल हो पाएगी? आप लोगों ने अपनी बात पहुँचाई कोटेदार तक? हाँ, पहुँचाए हैं। 9 बजे से हम बैठे हैं, ताके वो कोटेदार यहाँ मुँह नहीं दिखाया रहा। हमारे यहाँ गाँव गरौली में राशन नहीं मिल रहा साहब, 5 महीना से राशन नहीं मिला। हम भूमिहीन हैं, का खाई, और हम सयान आदमी यही के माथे हैं। हमारा राशन जब्त करे रखे हैं अंदर, और हाँ आज 4-5 रोज से यह कहे हैं कि अकाल गया, पड़ गया, और आए नहीं रहे। बैठे आज 9 बजे से ही बैठे हैं भूखे प्यासे। मिट्टी के तेल क्या रेट दे रहे हैं? मिट्टी के तेल 40 रुपया मिट्टी का तेल दे रहे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मोहन जी, ये क्या है कि 50% लोग गरौली के हैं, 30% लोग बड़ा के हैं, ये सारे लोग वितरण हो गया है इनका खाद्यान्न। जो बचे कुचे लोग हैं ये लेना नहीं चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको 5 महीने का खाद्यान्न दिया जाए। इसमें राजनीतिक पॉइंट साजिश रची जा रही है। कहना है कि ग्रामीणों का आरोप है कि 5 माह से हमको खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया और जो मिट्टी का तेल है वो भी 40 रुपये लीटर दिया जा रहा है। आपके जरिए ये बात संज्ञान में आई है, हालांकि 2 महीने पहले एसडीएम साहब ने हर जब वितरण केंद्र के दिन जिस दिन वितरण होता है उस दिन पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन अगर इस टाइप की समस्या है या बेमानी हो रही है तो उसका कल परसों के अंदर जांच कराई जाती है, इसका प्रतिवेदन ऊपर उच्च अधिकारी भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।